ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2013 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से की थी। 2021 में मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान से फेलोशिप ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की थी। फिलहाल मैं एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे ब्रेस्ट की शेप को इनहेंस किया जाता है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के थ्रू किया जा सकता है या फिर फैट ग्राफ्टिंग की जाती है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स अब किन लोगों को कराने चाहिए हैं? कुछ तो लोग होते हैं जिनकी ब्रेस्ट का साइज़ बहुत छोटा होता है और वो उसको इन्हेंस कराना चाह रहे होते हैं, या उस ब्रेस्ट साइज़ की वजह से उनकी सेल्फ इस्टीम ख़राब हो रही होती है, तो वो लोग ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वैसे भी ब्रेस्ट को इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की जाती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जनरल पब्लिक के अंदर जो कि मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि किसी सेलिब्रिटी ने कोई इम्प्लांट कराया था या उनके किसी दोस्त ने कोई इम्प्लांट कराया था और वो उनको अच्छा लगता है, तो वही एग्जैक्ट साइज़ उनमें भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है, आपकी अपनी बॉडी है, आपका अपना फिजीक है, उसके हिसाब से काफ़ी सारी मेजरमेंट्स लेके फिर आपका साइज़ डिसाइड किया जाता है। आप अपना आइडियल साइज़ या जो साइज़ आप चाहते हैं वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको आगे से गाइड करेंगे कि क्या वो साइज़ आपके अंदर सूट करेगा भी या नहीं करेगा। अगर तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत अननेचुरल लगेगा, बहुत छोटा होगा तो शायद उसमें कोई फ़र्क लगेगा ही नहीं। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आपके कपड़ों का साइज़ लार्ज है और आप एक्स्ट्रा स्मॉल कपड़े पहन लें तो लोगों को दूर से पता लगेगा कि कुछ गलत है या कुछ ठीक नहीं है आपके बारे में। अगर आप अपने साइज़ के कपड़े पहनेंगे तो आप उसमें अच्छे भी लगेंगे और किसी को आपके बारे में कुछ ऐसा भी नहीं लगेगा कि समथिंग इज़ ऑफ अबाउट यू। तो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी इसी तरह होती है कि आपने वो इम्प्लांट चूज़ करना होता है जो आपकी बॉडी में फ़िट हो सके। अब ये प्रोसीजर कौन करता है? ये प्रोसीजर्स प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। आप प्लास्टिक सर्जन के पास आते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हैं और फिर आपकी सर्जरी प्लान की जाती है। सर्जरी से पिछले दिन हम कुछ टेस्ट आपके करवाते हैं आपकी जनरल मेडिकल कंडीशन को चेक करने के लिए, उसके बाद हम सर्जरी प्लान करते हैं। सर्जरी वाले दिन ऑपरेशन से पहले आप हमारे पास आते हैं, हम आपकी फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं डिफरेंट एंगल से ताकि बिफ़ोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स पता लग सकें। फिर ये ऑपरेशन मुकम्मल बेहोशी में किया जाता है और उसके बाद आपको ऑपरेशन होने के बाद 2 से 3 घंटे हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, एडमिट नहीं करते हैं और फिर हम आपको घर भेज देते हैं। फिर हम आपका अगला फॉलोअप करते हैं 3रे दिन पे, उसमें हम आपका ज़ख़म चेक करते हैं कि आपका ज़ख़म ठीक है या उसमें कोई और मसला तो नहीं है। उसके बाद हम आपको दोबारा घर भेज देते हैं। इसके इंसिजन के बारे में बहुत से लोगों को बहुत परेशानी होती है कि कितना बड़ा इंसिजन होगा। इसका एक छोटा सा इंसिजन होता है जो कि ब्रेस्ट के बिल्कुल नीचे होता है और जब आप इम्प्लांट करा लेते हैं तो उसकी वेट की वजह से वो उसके नीचे हाइड हो जाता है, तो वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। इसको ऑपरेशन कराने के बाद आपको 1 महीने के लिए स्पोर्ट्स ब्रा या कंप्रेशन ब्रा पहन के रखनी पड़ती है और उसके बाद आपको हम नॉर्मल ब्रा भी अलाउ कर देते हैं। ऑपरेशन के 3रे या 4थे दिन आप अपने काम पे वापस जा सकते हैं और 2 हफ्ते के बाद आपको हम लाइट सी एक्सरसाइजेज अलाउ कर देते हैं। कार्डियो एक्सरसाइजेज आप 4 हफ्ते पे कर सकते हैं और हैवी एक्सरसाइजेज या चेस्ट एक्सरसाइजेज आप 6 हफ्ते पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स परमानेंट होते हैं या नहीं होते हैं, और क्योंकि ये एक बाहर से चीज़ डाली जा रही है तो क्या बॉडी उसको रिएक्ट तो नहीं करेगी? तो इसका आंसर ये होता है कि बॉडी इनिशियली उसके अराउंड एक कैप्सूल सा बना देती है जिससे वो बाकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसकी वजह से वो उस कैप्सूल में रहता है और बॉडी उसको रिएक्ट नहीं करती है। तो जब आप एक दफ़ा करा लेते हैं अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट्स तो वो काफ़ी सेफ होते हैं और वो बहुत लंबा अरसा चलते हैं। फिर कुछ लोगों को ये कंसर्न होता है कि इसका साइज़ तो नहीं चेंज कराना पड़ेगा, तो इसका आंसर ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद समटाइम्स इसका साइज़ चेंज होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका साइज़ चेंज हो, लेकिन आपको फिर भी एक दफ़ा अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट कर लेना चाहिए है और वो फिर आपको आगे गाइड कर देंगे कि इसमें चेंज कराने की ज़रूरत है या नहीं है। फिर कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है क्या हम इसके बाद ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, तो यस, ये कम्प्लीटली सेफ होता है।
बताया, आप इसके बाद ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने आपको कुछ हद तक बताने की कोशिश की है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स किस तरह किए जाते हैं और उसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। अगर आपको मुझसे कोई अपॉइंटमेंट चाहिए है तो मैं ओलोडॉक के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।